हमारी तरफ आ जाओ, शिवराज आने नहीं दे रहे। यह संवाद हुआ मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया देवास पहुंची। यहां सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों में लंबी चर्चा हुई। बातों ही बातों में प्रभारी मंत्री ने वर्मा को कह दिया कि झंडा तो आप ही पकड़ते हो, भाजपा में आ जाओ, आपका हमारी पार्टी में स्वागत। इस पर वर्मा बोले, शिवराज आने नहीं दे रहे। दरअसल पूर्व मंत्री वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया को लेकर सर्किट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने प्रभारी मंत्री से जिला पंचायत अध्यक्ष को सिविल लाइन क्षेत्र में बना बंगला अलॉट करने की मांग की। उन्होंने कहा, कई वर्षों से देवास में दो बंगले महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए रिजर्व हैं। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस की बनी तो जिला पंचायत अध्यक्ष का बंगला कलेक्टर ने दूसरे अधिकारी को दे दिया और उनके नाम की वहां नेम प्लेट भी लगा दी गई। मीडिया से चर्चा में वर्मा ने कहा, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे अपने यहां आने को कहा। राज परिवार से आती हैं, उनकी बात काटना सही नहीं है। हमने कह दिया, हुकुम आपके, मुख्यमंत्री आपसे नाराज हो जाएंगे, आप हमें पार्टी में लेंगी तो। नगरीय निकाय चुनाव के समय खंडवा में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी अमृता यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला था। सीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने कमलनाथ को महाराष्ट्र की सरकार बचाने भेजा था, जो अपनी सरकार नहीं बचा पाया उसे महाराष्ट्र भेजा था। कांग्रेस में कमलनाथ का कब्जा है, मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, बीच में नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ बन गए थे। युवाओं के नेता नकुल नाथ और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अरुण भैया क्या कर रहे हो भैया, कौन पूछ रहा है तुम्हें। कांग्रेस में केवल एक ही नाम चलता है, वो है कमलनाथ। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने जो योजनाएं बंद कर दी थी उन्हें चालू किया जाएगा। अलग अलग पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने पहले ये कहा कि कांग्रेस का झंडा तो आप भी उठाए हो सज्जन सिंह जी, मध्य प्रदेश में आप हमारी पार्टी में आ जाए। मैंने हुक्म शिवराज चौहान जी नाराज हो जाएंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आशा नमकीन, घर घर की पसंद, वन पसंद प्रोडक्ट, नियर बाणगंगा तिराहा, वार्ड नंबर 15, शहडोल, मध्य प्रदेश। मऊगंज कंपोजिट मदिरा दुकान ठेकेदार लाइसेंसी उपेन्द्र सिंह, अरुण सिंह और प्रिंस सिंह की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल जुगसना बलदेव मथुरा प्रबंधक हरि सिंह चौधरी व मैनेजिंग डायरेक्टर दीपचंद चौधरी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, ग्राम पंचायत नवस्था की तरफ से समस्त जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवनिर्वाचित सरपंच अनिश सिंह नवस्था। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे। ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक, पंचायत भुलगवा।
हाजी फैजान खान डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी पत्नी किशन द्विवेदी ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य योजना समिति सदस्य कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।